जिस दायित्व के लिए उनका निर्वाचन हुआ है उस दायित्व का बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे। सदन में मजबूती के साथ सभी जनप्रतिनिधियों की आवाज बने। मुझे उम्मीद है कि अफसरशाही और जनप्रतिनिधियों के मान और सम्मान के लिए वो अपना आवाज उठाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ आपके साथ शिवम। बिहार में 24 सीटों पर MLC के चुनाव हुए थे। ऐसे में आपको बता दें कि जो परिणाम सामने निकल कर आए उसमें से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, 5 सीटों पर JDU ने और 6 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल ने। ऐसे में आपको बता दें कि आज सभी 24 विधान पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह था। इस शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचे थे और साथ ही साथ तमाम मंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत किए थे। ऐसे में आपको बता दें कि जब शपथ ग्रहण समारोह का समापन हुआ तो ऐसे में जब हमने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से बात की तो उन दोनों लोगों का क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। निर्वाचित जो बिहार विधान परिषद लोकल चुन करके आए हैं उनका शपथ ग्रहण और शपथ ग्रहण में नए सदस्य जो चुन करके आए हम लोगों की अपेक्षा है, उम्मीद है कि जो भी जनप्रतिनिधि है लोकल बॉडी में उनके मामले को उनकी समस्याओं को सदन में मजबूती के साथ सभी जनप्रतिनिधियों की आवाज़ बने और साथ ही साथ जो आज का माहौल है जहां केवल अफसरशाही छाई हुई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो लोग भी चाहे किसी भी दल से चुन कर के आए मुझे उम्मीद है कि अफसरशाही और जनप्रतिनिधियों के मान और सम्मान के लिए वो अपना आवाज़ उठाए। नहीं, अच्छी बात है, सब शपथ लिए हैं और जिस दायित्व के लिए उनका निर्वाचन हुआ है उस दायित्व का बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे, सभी बिहार के विकास के लिए सब काम करेंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हों या बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, दोनों लोगों ने 24 विधान पार्षदों को शुभकामनाएं दी हैं और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर जो MLC चुन कर आए हैं ऐसे में जितने भी स्थानीय निकाय कोटे के जनप्रतिनिधि हैं उनकी आवाज़ को 2400 विधान पार्षद जो हैं वो बिहार विधान परिषद में उठाएंगे। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जिस दायित्व के लिए उनका निर्वाचन हुआ है उस दायित्व का बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे। सदन में मजबूती के साथ सभी जनप्रतिनिधियों की आवाज़ बने। मुझे उम्मीद है कि अफसरशाही और जनप्रतिनिधियों के मान और सम्मान के लिए वो अपना आवाज़ उठाए, विकास के लिए सब काम करेंगे।